वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स. सो इन द प्रीवियस सेशन जो था हमारा, उसमें हम लोगों ने पी ब्लॉक का डिस्कशन करा था, जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का. बट वी हैव डिस्कस्ड बोरॉन एंड कार्बन फैमिली. सो इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली. ठीक है. अब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होंगी, थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे दूँ. जैसे नाइट्रोजन में इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपका अमोनिया. काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है अमोनिया के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. नाइट्रिक एसिड के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. फाइव टाइप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, N2O, NO, N2O4, N2O3 और N2O5 के बारे में आइडिया होना चाहिए. इतने से हमें मैक्सिमम काम हमारा नाइट्रोजन का हो जाएगा. फॉस्फोरस में फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके दो जो ऑक्साइड्स होते हैं P4O6, P4O10 के बारे में इंफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत आइडिया हमें PH3 फॉस्फीन के बारे में भी होना चाहिए. इतने से में काम हो जाएगा हमारा. ऑक्सीजन फैमिली में जब हम लोग जाएंगे तो थोड़ा बहुत ओजोन इंपॉर्टेंट होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह. ठीक है. H2O2 होता है, बट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द एस ब्लॉक. हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड हमने एस ब्लॉक में ही साथ में ले लिए थे, तो वो वहीं पर आपका कवर्ड अप हो चुका है. ठीक है. तो ओजोन के बारे में सब रफ आइडिया. सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ब्लॉक्स की केमिस्ट्री थोड़ा सा रिलेटिवली हम लोग जो हमारी स्टाइल है पढ़ाने की, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ऑलमोस्ट हर चीज़ों को कवर कर लेते हैं. ठीक है. अदरवाइज ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन काफ़ी डेप्थ होता है, इतना ज़्यादा डेप्थ होता है कि उतनी ज़्यादा चीज़ें स्टूडेंट के लिए भी याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है. ठीक है. तो इस वजह से आई थॉट कि ये पूरा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, इसमें आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंटली पूछी जाती हैं, और हमें पूरा चैप्टर भी एक तरह से क्वेश्चन के थ्रू मैं रिवाइज करते हुए चलूंगा आपको. सो इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली. वी आर हैविंग 21 क्वेश्चंस जो अभी तक आए हुए हैं. ठीक है ना. चलिए तो लेट अस स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ IIIE 2002. इन केस ऑफ नाइट्रोजन NCl3 इज पॉसिबल बट नो PCl5, नो NCl5. वाइल इन केस ऑफ फॉस्फोरस PCl3 एज वेल एज PCl5 आर पॉसिबल, इट इज़ ड्यू टू. अब नाइट्रोजन जो है हमारा, अब आप ये क्वेश्चन अगर देखेंगे तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है. तो यह मुझे पता है मैंने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे कवर करी हैं, इसलिए मैं आपको आइडिया भी देते चल रहा हूँ. इफ़ यू आर फॉलोइंग माई लेक्चर नोट्स ऑल्सो, तो उसमें हम लोग कवर अप कर चुके हैं. रीज़न प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में देखते हैं, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है. ठीक है. इसका जेड है 7, कॉन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 और 2p3, जबकि फॉस्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है. जेड हो गया 15. ठीक है. और कॉन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3. ठीक है. ये इस तरीके से. तो नाइट्रोजन के पास अगर हम लोग ऑटोमोल शेल का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट विल बी लाइक दिस, 2s2, 2p3. अब 2 में हमें पता है कि 2 में D नहीं होता है. ठीक है ना. जबकि 3 फॉस्फोरस के केस में आपका ये 3s2, ये 3p3, ये उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है. बट थर्ड पीरियड का होने की वजह से इसके पास 3D की भी पॉसिबिलिटी है. क्यों? तो दिस इज 2s2, दिस इज 2p3, दिस इज 3s2, 3p3. ओके. तो ये तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया फॉस्फोरस का. अब अगर आप इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसका एक्साइट होके डी में चले जाएगा. ठीक है. ग्राउंड स्टेट से आपका बन जाएगा PCl3 और एक्साइटेड स्टेट से बन जाएगा PCl5. 5 बॉन्ड बना सकते हैं. नाइट्रोजन के पास सिंस 2D अवेलेबल ही नहीं है, तो मैक्सिमम जो है आपका, ठीक है, 3 ही बॉन्ड बना पाएगा. और 3 बॉन्ड बना पाएगा तो ये केवल NCl3 बना सकता है, ये NCl5 नहीं बना सकता है. हाँ, अगर हमारा कन्फ्यूज़न इससे हो कि सर नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन नंबर तो शो करता है, तो उससे कन्फ्यूज़ मत रखिएगा. वो चाहे +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो करे, लाइक इन नाइट्रिक एसिड,
तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5 है. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड? एच ओ एन डबल बॉन्ड ओ, वो अपना एक लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है. ठीक है, तो मैक्सिमम जो बॉन्ड्स नाइट्रोजन बना सकता है वो केवल 4 ही बना सकता है. वो चौथा बॉन्ड अपना लोन पेयर डोनेट करके, लाइक NH3 में तो उसने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं और NH4 प्लस में उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H प्लस. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन मैक्सिमम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स. ये क्वेश्चन आपका एस ब्लॉक में भी लिथियम के लिए आया था, ठीक है ना, फिर आपका बेरिलियम के लिए भी आया था, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका बोरॉन के लिए आया था जब हमने बोरॉन और कार्बन फैमिली में करा था डिस्कशन. तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही पैटर्न पर रिपीट होने वाले हैं. हर जगह ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है. सेकेंड पीरियड का एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है. बस पूछने का तरीका सब जगह थोड़ा सा अलग अलग है. ठीक है, लाइक एस ब्लॉक में पूछा गया था कि बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम के साथ, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस यही है कि बेरिलियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है जबकि एल्यूमिनियम की 6. यही सेम क्वेश्चन बोरॉन एंड कार्बन फैमिली, अगर आप देख चुके हैं मेरे वीडियोस, उसमें भी आया था कि बोरॉन और सिलिकॉन में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है बट डिफरेंस क्या है. अगेन बोरॉन आपका मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी शो कर सकता है जबकि सिलिकॉन 6 तक जा सकता है. ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पर भी है. तो इसलिए अब अगर हम लोग इसका आंसर देखें, आई होप आपको सॉल्यूशन तो एक्सप्लेनेशन आ गया होगा समझ में. फर्स्ट ऑप्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट टी ऑर्बिटल इन पी बट नॉट इन एन, यही हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, बाकी अब उसे 4 आंसर बनाने हैं बेटा, तो एब्सर्ड कुछ भी बना देगा. जैसे पढ़ लेते हैं, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस देन नाइट्रोजन, तो वो तो फैक्ट है बेटा, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती ही है. लोअर टेंडेंसी ऑफ एच बॉन्ड फॉर्मेशन इन पी देन एन, ये भी सही है बट इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है. Occurrence of P in solid while N in gaseous state at room temperature, it is also correct. N2 gas होता है जबकि P4 आपका white phosphorus soft solid होता है, तो it is also correct. But वहाँ पर जो आप देख रहे हैं question, उसमें वो bonds की number के हिसाब से बात कर रहा है. ठीक है, और इस वजह से हमारा correct answer हम लोग 1 देंगे इस particular question का. चलिए, let us move to our question number 2 of IIT-JEE 2003. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यू कैन सी कि हमारे बॉन्डिंग में कवर्ड है चीज़ें. ठीक है, और जैसे अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना जा रहा है, व्हाट मे बी एक्सपेक्टेड टू हैपन व्हेन फॉस्फीन गैस इज मिक्स्ड विद क्लोरीन गैस. अब व्हाट इज फॉस्फीन गैस? PH3, और इसको आप मिक्सअप कर रहे हो क्लोरीन के साथ, तो आप खुद ही एक्सपेक्ट करिए कि क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में, है ना. पहले तो फॉस्फोरस और Cl2 है, इस तरह के बाइनरी कंपाउंड आए, तो थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा दिया करिए. ठीक है ना, रिएक्शन होगी ये PCl3 और 3Cl2 के साथ रिएक्ट करके 3H और 3Cl जो बचे हुए 3HCl बनेगा, अगर Cl2 लिमिटेड अमाउंट में हो. अगर Cl2 एक्सेस में होगा, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि मैं सब जानकारियाँ भी दूंगा, अगर Cl2 एक्सेस में होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो PCl5 प्लस 3HCl हो जाएगा. ठीक है, अभी आपका इस तरीके से होगा. क्यों होगा? Cl2 अगर एक्सेस में हो गया तो ये जो PCl3 है ये 1 मोल Cl2 से और रिएक्ट करके, फर्स्ट वाली रिएक्शन से ही बोलूं, तो ये आपका PCl5 बना देगा. ये रिएक्शन हमें वेरी वेल नोन, पता ही है. तो ये रिएक्शन हो रही है. ठीक है, अब उसने बोला है मिक्सचर ओनली कूल्स डाउन. अब कूल्स डाउन और वार्म सब अगले ऑप्शन में जो दिख रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है? अगर हीट रिलीज होगी, ठीक है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो आपका क्या होगा, हीट रिलीज होगी उससे मिक्सचर वार्म अप हो जाएगा. ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी सिस्टम से और मिक्सचर कूल डाउन हो जाएगा. तो ये रिएक्शन अपने आप में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना, वो थर्ड वाला होगा कि PCl3 एंड HCl आर फॉर्म एंड मिक्सचर कूल्स डाउन. अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर ठीक है, प्रोडक्ट्स तो हमने गैस कर लिए, एक्सो और एंडो नेचर कैसे पहचानेंगे? तो वो आपको फिर थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है ना, जो है वो
इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट जो होती है आपका एब्जॉर्ब होती है और मिक्सचर जो होता है फाइनली कूल डाउन होता है. तो दैट इन्फॉर्मेशन वी हैव टू रिमेंबर. तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस हिसाब से आ रहा है हमारा. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें. व्हेन रेन इज एकम्पेनीड बाय अ थंडर स्टॉर्म द कलेक्टेड रेन वाटर हैज अ पीएच वैल्यू. ठीक है, अब आपने बारिश देखी होगी. एक तो नॉर्मल बारिश हो रही है, नॉर्मल रेन हो रही है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. और एक बार रेन जो है वो थंडर स्टॉर्म के साथ हुई. थंडर स्टॉर्म वाला समझ लो ना, बिजली कड़कड़ाते हुए बिल्कुल. दोनों में फर्क क्या होगा? नॉर्मल रेन में तो जो नॉर्मल होता है वही हो रहा है. थंडर स्टॉर्म के साथ अगर रेन हुई तो उसमें क्या होगा कि N2 और O2 आपस में कंबाइन कर जाएंगे. क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये चीज़ मैंने आपसे बार बार बोली है कि नाइट्रोजन वैसे तो केमिकली इनर्ट होता है. क्यों होता है इनर्ट? क्योंकि N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इसी वजह से आपको पता होगा कि एयर में हम लोग बोलते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, जिसमें मेजर कंपोनेंट आपका लगभग 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन. ना थोड़ा सा कम होता है क्योंकि बाकी भी काफ़ी सारी गैसेस है, बस रफली मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, अब अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट करने लग जाए तो फिर एयर में आपको कभी भी ऑक्सीजन मिलने वाली नहीं है. क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो 5 ऑक्साइड्स बन सकते हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5. तो डेफिनेटली ऑक्सीजन तो ख़त्म ही हो जाएगा. वैसे ही ऑक्सीजन कम है नाइट्रोजन से, बट हमें पता है कि एयर में ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट है. तो प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि N2 और O2 अंडर नॉर्मल कंडीशंस एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. ये चीज़ मैंने बार बार बोली है और थोड़ा सा मैं लिंक कर रहा हूँ. तो थर्मोकेमिस्ट्री में जब भी आपको हीट ऑफ कम्बशन आया है वहाँ पर मैंने बोला था कि नाइट्रोजन आ जाएगा, तो नाइट्रोजन का जब तक प्रोडक्ट मेंशन नहीं है तब तक आप नाइट्रोजन में कम्बशन में केवल N2 के फॉर्म में छोड़ दोगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल लिंक करा दूँ पहले, फिर क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि CH3NH2 का अगर वो कम्बशन करा रहा है तो कम्बशन का मतलब है कि इन प्रेजेंस ऑफ O2 होगा. एक कार्बन है तो एक CO2 बना दीजिए आप. ठीक है, 5 हाइड्रोजन है तो 5/2 H2O बना दीजिए आप, और एक नाइट्रोजन है तो 1/2 N2. नाइट्रोजन का देखिए मैंने कोई ऑक्साइड नहीं बनाया है. अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड नाइट्रोजन को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाला नहीं है. और बाकी फिर बैलेंसिंग कर लें तो यहाँ से 5/2 एटम, यहाँ से 2, 5/2 प्लस 2, 9/2, तो ये हो जाएगा हमारा 9/4. ठीक है, तो अगर थंडर स्टॉर्म हो रहा है तो इतनी तेज़ी से बिजली कड़कड़ाती है कि हम घर के अंदर बैठे हुए होते हैं, हम डर जाते हैं. कभी भी आपने ध्यान दिया हो ना, मैं तो डर जाता हूँ, आपका मुझे पता नहीं, मैं तो थोड़ा सा डरपोक इंसान हूँ. तो बिजली कड़कड़ाते हुए जब आपकी बारिश होगी तो उसमें इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंबाइन करने के चांसेस बन जाते हैं. वो काफ़ी सारे ऑक्साइड्स बना देते हैं. ठीक है, N2O3, NO2, कुछ भी जो भी बना. ठीक है, अब हमें पता है कि नाइट्रोजन के जो 5 ऑक्साइड्स हैं उनमें से फर्स्ट 2 N2O और NO न्यूट्रल होते हैं, बाकी आगे के जो हैं N2O3, N2O4, N2O5 ये एसिडिक नेचर के हैं. मान लीजिए मैं N2O3 ही ले लूं कि N2O3 बना है, और अगर आपने इसे पानी में, ठीक है ना, किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को अगर आप पानी में डालोगे तो वो अपना ऑक्सी एसिड सेम ऑक्सीडेशन नंबर का अगर एग्जिस्ट करता है तो बनाएगा. ठीक है ना, तो N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पर भी +3. अब ये एग्जिस्ट करना क्यों वर्ड यूज़ करा है, जैसे NO2, अगर आपने NO2 को पानी में डाला तो NO2 में नाइट्रोजन अपनी +4 ऑक्सीडेशन नंबर में. ठीक है ना, तो +4 का हमें ऑक्सी एसिड पता नहीं. नाइट्रोजन के जो मेजर इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स हैं वो HNO2 और HNO3 हैं. तो इस वजह से, ठीक है, ये आपका एक मोल HNO2 का बना देगा, एक मोल HNO3 का. एवरेज रूल लग जाता है +3 और +5. इनडायरेक्टली यू कैन से कि एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो चुकी है. जो हम लोग बोलते हैं ना कि नॉर्मली एसिड बेस रिएक्शन जो होती हैं वो क्या होती है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन. बट कुछ एसिड बेस रिएक्शन रेडॉक्स भी हो सकती हैं,
तो इसलिए मैं कह ही रहा हूँ कि मैं तो सब चीज़ें समझाते हुए चलूँगा। अब जैसे जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है कि NO2 की रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे तो क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा भैया, जो ऊपर कराया बेटा बस वही होगा। पहले आप NO2 की रिएक्शन वाटर के साथ कराते तो ये दोनों एसिड बन रहे थे, अब अगर ये NaOH के साथ रिएक्ट कर गया तो एक जो पहला HNO2 है वो NaNO2 में बदलेगा, जो HNO3 है वो भी NaNO3 में बदलेगा, और साथ में आपका 2 मोल्स ऑफ NaOH ले लो प्लस वाटर, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो ही गई जो JEE में काफ़ी बार पूछी भी गई है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पूछी गई तो यहाँ क्यों नहीं आ रही है, अभी हम लोग JEE मेंस का इनऑर्गेनिक डिस्कस कर रहे हैं, देन वी विल डिस्कस JEE एडवांस ऑल्सो। JEE एडवांस में आपको काफ़ी क्वेश्चन जितनी भी जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ सब मिलेंगी। अब ये सर आपने कहाँ पढ़ाया है, तो ये मैं ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूँ, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, उसमें सब न्यूट्रल कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, सब बताया था और ये रिएक्शंस भी वहाँ पर समझाई जा चुकी हैं, ठीक है। तो हमारी स्टाइल ही जो पढ़ाने की बेटा वो यही है कि हम 5 चैप्टर्स में मेजरली इनऑर्गेनिक को पूरा कवर कर लेते हैं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मेटलर्जी, सॉल्ट एनालिसिस एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, ब्लॉक का डिस्कशन थोड़ा बहुत जरूर करते हैं, बट वो थोड़ा फास्ट ही होता है नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हमारी इन पांचों चैप्टर में घूम फिर के 99% चीज़ें कवर हो चुकी होती हैं। तो अब यहाँ पर अगर HNO2 बन गया, हम लोग कमिंग बैक टू द क्वेश्चन आ जाए, HNO2 बन गया तो HNO2 तो एक एसिड है, और एसिड क्या करेगा, एसिड अगर बन गया तो एसिड विल इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और अगर H प्लस आयन का कंसनट्रेशन बढ़ा तो pH आपका कम हो जाएगा। तो उसने pH के बारे में ही बात करी है, अब ऑप्शंस को देखें हम लोग, स्लाइटली हायर देन दैट व्हेन द थंडरस्टॉर्म इज नॉट देयर, ये तो गलत हो गया, अन इन्फ्लुएंस्ड बाय अक्रेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म, ये भी गलत है, थंडरस्टॉर्म से फ़र्क तो पड़ रहा है, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डस्ट इन एयर, हमें डस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो हमारा आंसर पक्का फोर्थ वाला ही अब सही होगा, स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ रेन वाटर विदाउट थंडरस्टॉर्म, विदाउट थंडरस्टॉर्म वाली जो नॉर्मल रेन है और थंडरस्टॉर्म वाली रेन है, थंडरस्टॉर्म वाली रेन का पीएच कम हो गया है, ये उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म है। वेरी नाइस क्वेश्चन,